राज्य और केंद्र सरकारें हर साल आपके और हमारे लिए ढेरों स्कीम्स लाती हैं, मगर जानकारी नहीं होने की वजह से हम इन स्कीम्स का फायदा उठाने से चूक जाते हैं। इसी दिक्कत को दूर करने की कोशिश है हमारा ये नया प्रोग्राम एक स्कीम है। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे राज्य और केंद्र सरकारों की नई पुरानी सभी स्कीम्स के बारे में। आज हम जानेंगे MP सरकार की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में। किसे मिलेगा इस स्कीम का फायदा, अप्लाई करने की जरूरी शर्तें क्या हैं और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, सब कुछ बताएंगे आज इस एपिसोड में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 अगस्त 2023 को भोपाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की थी। ये योजना यानी स्कीम लर्न एंड अर्न कार्यक्रम है, जिसमें युवाओं को जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कीम के दौरान छात्रों को काम करते हुए एक्सपीरियंस प्राप्त करने और अपना स्किल डेवलप करने का भी मौका मिलेगा। काम सीखने के बाद युवा अपना खुद का कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। अगर जॉब करना चाहें तो उन्हें इंडस्ट्री में नौकरी भी मिलेगी। इस योजना में 46 सेक्टर्स के 700 से भी ज़्यादा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना यानी MMSKY के जरिए बड़े स्तर पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रतिष्ठानों में ऑन दी जॉब ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी। अब जानते हैं कि इस स्कीम के लिए कौन आवेदन कर सकता है। योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, रजिस्ट्रेशन के लिए छात्र प्रशिक्षणार्थी कम से कम 12वीं या ITI पास होना चाहिए। इस योजना के तहत चयनित युवा को छात्र प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा। इस प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के तहत ज़्यादातर कोर्सेज की अवधि 1 साल की है, हालांकि कुछ कोर्स की प्रशिक्षण अवधि 6 महीने से लेकर 9 महीने भी है। रजिस्ट्रेशन के लिए छात्र प्रशिक्षणार्थी की एज लिमिट 18 से 29 साल है। मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड अलग अलग कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक जरूरत के आधार पर तय किया गया है। जैसे 12वीं पास युवा को 8,000 रुपये, ITI पास को 8,500 रुपये, डिप्लोमा प्राप्त कर चुके युवा को 9,000 रुपये और स्नातक या फिर हायर एजुकेशन वाले युवा को 10,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड का कम से कम 25% हिस्सा संस्थान को देना होगा। संस्थान चाहे तो 25% से ज़्यादा स्टाइपेंड भी दे सकता है। बाकी की रकम MP सरकार देगी। सरकार की तरफ से मिलने वाली रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT के तहत सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इसमें उद्योगों के लिहाज से मुफीद प्रशिक्षण मिलेगा। छात्रों को नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के जरिए ये ट्रेनिंग मिलेगी। सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी होने और निर्धारित मूल्यांकन के बाद MP राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड यानी MPSSDEGB की तरफ से स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। छात्र प्रशिक्षणार्थी नियमित रोजगार प्राप्त करने की योग्यता भी हासिल कर सकेंगे। इस स्कीम को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर ताजा कुछ आंकड़ों को भी देख लेते हैं। प्रशिक्षण देने वाले कंपनियों का रजिस्ट्रेशन 7 जून 2023 से शुरू किया गया था, जिसमें अब तक 19,381 कुल रजिस्टर्ड संस्थान हैं। कुल 75,371 पद अब तक प्रकाशित किए जा चुके हैं। इस योजना में युवाओं का रजिस्ट्रेशन 4 जुलाई 2023 से शुरू हुआ था, जिसमें 9,10,603 लोगों ने इसके लिए अभी तक रजिस्टर किया है। तो ये थी आज की स्कीम। मेरा नाम है उपासना, आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी दीपक ने। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे एक नई स्कीम के साथ, तब तक देखते रहें लल्लन टॉप। शुक्रिया।